गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जून 8, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक यहां पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम लोग फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में। ये बिल्कुल हमारे लिए नया टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन यूपीएससी कई बार ऐसे छोटे छोटे टॉपिक से सवाल पूछ लेता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे एनएसजी के बारे में। ये एनएसजी कमांडो नहीं है, ये हमारा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, तो इसके बारे में जानेंगे और इंडिया का इसके साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। न्यू रूल्स फॉर द CDS, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनके लिए सरकार ने नए रूल बनाए हैं और जल्दी ही किसी नए CDS को अपॉइंट किया जा सकता है। IAS डेप्यूटेशन, ये थोड़ा सा रिपीटेड टॉपिक है, थोड़े समय पहले भी हम लोगों ने किया था जब स्टैंड सेंटर के अंदर जो है IAS IPS ऑफिसर्स की कमी हो गई थी, उसको पूरा करने के लिए कुछ रूल्स को चेंज किया गया था, उन रूल के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फिर देखने वाले हैं सेंसस ऑफ एलिफेंट्स एंड टाइगर्स, इसके सेंसस में कुछ चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे और आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में भी। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में सुना होगा पहले बहुत बार, लेकिन प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है हमारे पास, ठीक है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर रिपीटेड सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा न्यूज में है तो इसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे हम लोग। बैड बैंक इज गुड, ये हम लोगों ने कल भी किया था तो ये भी रिपीटेड है, लेकिन दो चार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जुड़ी हुई है उसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो हमारा बेसिकली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट होता है ना, वो कंटेंट थोड़ा सा एनरिच हो जाता है जब हम उस टॉपिक को कुछ नए तरीके से पढ़ते हैं, है ना। तो फ्रांस वर्सेस यूरोपियन यूनियन आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से जो चीज़ें हो रही थी उसकी वजह से भैया यूरोपियन यूनियन के अंदर अभी ऐसा लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है दो गुटों में बंट रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ग्लोबल रिकवरी, ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है। इकोनॉमी का सेक्शन है लेकिन जनरल जनरल सी बातें यहाँ पर की गई हैं, तो ओवरऑल हमारा रिविजन भी हो जाएगा और यहाँ से हम लोग मेन्स के लिए आंसर भी देख सकते हैं। कुछ MCQ आपके लिए लेके आया हूँ आज, तो आज हम लोग पॉलिटी के MCQ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस हफ्ते हम लोग पॉलिटी का ही चालू करेंगे, फिर अगली बार दूसरी चीज़ें और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे सामने हैं। तो एक बार देख लेते हैं फ्रंट पेज पे क्या है आज, तो ये तो हम लोग थोड़ा अलग से बात करेंगे ही, इस साइड में जाएंगे जब। गवर्नमेंट रीचेस आउट टू OIC मेंबर्स, OIC के बारे में हम लोगों ने कल बात किया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, तो इंडिया ने उनसे बातचीत किया है और वो सारी सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, देखिए आज की एक और न्यूज़ थी छोटी सी हमारे पास, हाँ ये CDS वाली। न्यू रूल अलाउ एक्स ऑफिसर्स टू होल्ड CDS पोजीशन, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आपको पता ही है कि थोड़े समय पहले हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे उनके हेलीकॉप्टर में उनकी जान चली गई थी अनफॉर्चुनेटली, तो उसके बाद से अभी तक किसी को अपॉइंट नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने अभी कुछ रूल्स वगैरह को चेंज किया है। तो रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स ये कहते हैं कि भैया अगर किसी ऑफिसर की जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, यूजली जो जनरल होते हैं, अगर उनकी ऑफिसर एज जो है वो 68 से ज़्यादा हो गई होगी तो हम उसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं बनाएंगे। और यूजली क्या होता है कि रिटायरमेंट जाते जाते 62 एज हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि अभी फ्यूचर में कोई रिटायर्ड जनरल होंगे तो उनको CDS बनाने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। दूसरे ऑफिसर को बनाया जा सकता है क्योंकि उनकी उम्र जो है वो 62 से ज़्यादा नहीं होगी। जैसे यहाँ पे कई सारे ऑफिसर्स को बनाया जा सकता है, जैसे उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल को बना सकते हो, है ना। उसके अलावा जो है आप किसी ब्रिगेडियर को तो खैर नहीं बनाएंगे, जो जनरल से नीचे पोजीशंस पे होते हैं उनको बनाया जा सकता है क्योंकि उनकी एज 62 नहीं होती है। तो कुछ आपको मैंने यहाँ पे रैंक दिखाना चाहता हूँ कि हमारे आर्मी के अंदर जो रैंक्स होते हैं आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो लांस नाइक से लेके फिर नायक हरिद्वार, सॉरी सूबेदार, हवलदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। तो देखिए जब जनरल रिटायर होते हैं तो जनरल इनकी एज 62 हो जाती है, तो इसका मतलब इनके CDS के बनने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। लेकिन जो ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल से या फिर मेजर जनरल से रिटायर होगा उसको CDS बनाया जा सकता है क्योंकि एक तो हाई रैंकिंग ऑफिसर होते हैं और दूसरा इनकी उम्र भी 62 नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा हमें देखना रहेगा कि नए CDS को जब अभी हम लोग बनाएंगे, अपॉइंट करेगी सरकार, तो वो कौन होंगे, वो लेफ्टिनेंट जनरल होंगे या फिर मेजर जनरल होंगे। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो इनके जो कितने स्टार ऑफिसर्स होते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल होता है वो एक स्टार ऑफिसर होता है, एम्बलम होता है, कैप्टन जो है वो 3 स्टार ऑफिसर होता है, इसके बाद सब जो है हाइयर रैंक पे चले जाते हैं, उससे नीचे होता है लेफ्टिनेंट के 2 स्टार होता है, तो 3 स्टार और यहाँ पे एक एम्बलम होता है, यहाँ पे 1 स्टार एक एम्बलम होता है, 2 स्टार एक एम्बलम होता है, ब्रिगेडियर के पास 3 स्टार होते हैं, एक एम्बलम होता है, ठीक है, और मेजर जनरल के पास 1 स्टार होता है और ये सिंगल होता है, एम्बलम होता है, सिग्नल होता है, एम्बलम स्टार और सिंगलम। तो देखिए किस तरह से जो है रैंकिंग के हिसाब से जो है वो स्टार भी बढ़ते रहते हैं। जो नायब सूबेदार होता है ये सिर्फ 1 स्टार होते हैं और नीचे स्ट्रिप लगी होती है, हर चीज़ का अपना अपना मीनिंग होता है,
जो लांस नाइक होते हैं उनका सिग्नल आप यहाँ पे देख सकते हो, हवलदार का जो है आप यहाँ पे तीन स्ट्रिप रहती हैं थोड़ी सी ट्राइंगल शेप में, तो थोड़ा देख सकते हो, इंटरेस्टिंग है, ऐसे भी आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है वो है तमिलनाडु टॉप्स फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर क्या है ना, बेसिकली अभी इनका रैंक निकाला गया है, तो तमिलनाडु ने टॉप किया ही किया है, उसके बाद जो है गुजरात और उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, ये बड़ी स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनको अवार्ड मिले हैं। ठीक है, छोटी स्टेट्स की बात करें तो गोवा नंबर वन पे है, उसके बाद मणिपुर और उसके बाद आ जाता है सिक्किम। ये अवार्ड जो है 2018-19 में स्टार्ट किया गया था सरकार के द्वारा, और ये इसके अंदर एक्चुअली कई सारे पैरामीटर्स हैं जिसको हम लोग इंक्लूड करते हैं, जैसे यहाँ पे डेटा जो है, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विलियंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। बेसिकली पांच तरह के इस तरह के पैरामीटर होते हैं, और किसने डेवलप किया था इसको, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया था। पांच पैरामीटर्स के अंदर जो आपको मैंने बता दिया है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कब इसको लॉन्च किया गया था, जब भैया 7th of June 2019 वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है जो कि कल था। ठीक है, तो हमारे जो फूड मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अवार्ड दिया है। ठीक है, बस इतना थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में हल्का फुल्का। तो देखिए, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, आप अपना राज्य स्टेट ढूंढ सकते हो यहाँ पे कौन से नंबर का है, मेरे वाला स्टेट तो यहाँ पे है ही नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। इंडिया एम्स टू जॉइन NSG। दोस्तों, NSG का मतलब होता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। बेसिकली बहुत सारी 46 कंट्रीज हैं, बेसिकली जिन 48 सॉरी पहले 46 थे, अभी 48 हो चुकी हैं, तो 48 कंट्रीज का एक ग्रुप है, और वर्ल्ड में ये वो कंट्री हैं जो कि न्यूक्लियर सप्लाई करती हैं दूसरी कंट्रीज को, एक्सपोर्ट करती हैं न्यूक्लियर मटेरियल को। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। देखिए, 1974 में ये बना था, और उसी समय इंडिया ने हमारा सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था हम लोगों ने पोखरण के अंदर। एक्चुअली ये जो NSG ग्रुप बनाया था वो इंडिया के टेस्टिंग को ध्यान में रख के भी बनाया गया था, कि इसका मेन मकसद ये रहता है कि जो कंट्री न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहती हैं उनको सप्लाई बंद किया जाए, हम उनको न्यूक्लियर जो है मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे। ये बेसिकली इसका एक मेन पर्पज हुआ करता था, आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा एक और ट्रीटी होती है जिसे कहते हैं NPT। ठीक है, NPT, नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी उसको कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो कंट्री इस ट्रीटी के ऊपर साइन कर देती हैं वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करती हैं, या फिर वो किसी दूसरी कंट्री को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं करेंगी। आपको मैं बताता चलूं कि इंडिया NPT का पार्ट नहीं है, और NSG का मेंबर बनने के लिए ये कंडीशन होती है कि आप NPT का मेंबर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप NPT का मेंबर बनोगे तभी NSG का मेंबर बनोगे, और तभी आपकी कंट्री के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई हो सकता है। लेकिन इंडिया क्योंकि NPT का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया बहुत बुरी तरह से NSG का मेंबर बनना चाहता है, क्योंकि इससे हमें हम लोगों को न्यूक्लियर फ्यूल मिल सकता है। ठीक है, हालांकि इंडिया कई दूसरे ग्रुप्स का पार्ट है, जैसे MTCP है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासिनार जो अरेंजमेंट है, ये सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, MTCR के बारे में बता चुका हूँ, वासिनार अरेंजमेंट के बारे में खुद से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी 2016 में UPSC में सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बेसिकली मोटे तौर पर आप ये कह सकते हो कि 48 कंट्री का जो ग्रुप है ये आपस में एक दूसरे को न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई करते हैं, अपने उससे बाहर नहीं करते हैं। तो इंडिया को बड़ी दिक्कत आती है जब हमें न्यूक्लियर मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि बहुत सारी कंट्री जैसे अमेरिका है स्पेशली, वो इंडिया की फेवर में है, लेकिन इसके अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सब कंसेंसस से लिए जाते हैं, वोटिंग से नहीं लिए जाते हैं। अगर वोटिंग से होता ना तो इंडिया कब का मेंबर बन चुका होता। अमेरिका सपोर्ट करता है, फ्रांस सपोर्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट करता है, चाइना हमें सपोर्ट नहीं करता। चाइना कहता है पहले इंडिया को जो है आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर बनाइए, उसके बाद आप आइए, लेकिन इंडिया अभी तक इसका मेंबर बनने को तैयार नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया, फ्रीज ऑन IS डेप्यूटेशन रूल्स, तो ये हम लोग पहले भी अच्छा खासा इस टॉपिक को कर चुके हैं। देखिए, बात ऐसी थी ना कि IS IPS ऑफिसर की हो गई है कमी, कहाँ पे, सेंटर के अंदर। तो होता क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो हर साल कुछ ऑफिसर्स को डेप्यूटेशन भेजती हैं सेंटर के अंदर। ठीक है, 5 साल के लिए डेपुटेशन, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, लेकिन स्टेट्स ने भेजने से मना कर दिया। इन्होंने कहा भैया हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि स्टेट्स नहीं भेज रहे हैं इसलिए उनके पास कमी हो गई है। ये आपको पहले से ही पता है कि 2014 के बाद हमारे यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स
मतलब जब यूपीएससी नोटिफिकेशन निकालता है तो पोस्ट लगातार कम हो रही है, तो ओवरऑल ऑफिसर ही बहुत कम है देश में, तो स्टेट गवर्नमेंट ने भेजने से मना कर दिया, जिसकी वजह से सेंटर के अंदर जो है ऑफिसर्स की कमी होगी, खासकर सेक्रेटरी और सब सेक्रेटरी लेवल पे। तो सेंटर ने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद ही स्टेट उनको नहीं भेज रहे थे, क्योंकि वो काम ना स्टेट का होता है, स्टेट कुछ नाम हर साल 10-20-5 नाम भेजता है सेंटर को डेपुटेशन, कुछ ऑफिसर्स को भेजता है। तो जब स्टेट की बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो लोग नहीं माने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल रूल चेंज कर दिए, उस रूल चेंज करके ये कहा कि भैया अगर कोई स्टेट अपनी मर्जी से ऑफिसर को डेपुटेशन में नहीं भेजेगा सेंटर के अंदर, तो उसकी मर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उनको ऑटोमेटिकली ही डेपुटेशन पे भेज सकते हैं। लेकिन वो नोटिफिकेशन सरकार ने पिछले साल भेजा था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ है, वो नोटिस बेसिकली ठंडे बस्ते में जा चुका है। पहली बात तो ये कि स्टेट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अग्री नहीं किया, दूसरी बात ये कि भैया जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो लोग भी डेपुटेशन में नहीं जाना चाहते। सीधी सी बात है, आप स्टेट के अंदर हो, आपको बड़ा बंगलो मिला हुआ है, आपको नौकर चाकर मिले हैं, आपको गाड़ियां मिली हैं, पावर मिली है, रुतबा मिला है, तो भैया आप डेपुटेशन में क्यों जाओगे? वहां पे आपको जो है किसी सिटी में जाओगे, वहां पे आपको फ्लैट मिलेगा 2 BHK 3 BHK, तो बंगलों को छोड़ के भैया 3 BHK में कौन जाएगा, है ना? मजा ही अलग होता है ना स्टेट के अंदर। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है। तो वो पूरे का मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन देखना रहेगा कि इसकी भरपाई कैसे होगी। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले कुछ सालों में डेफिनेटली जो जॉब्स हैं, वैकेंसी हैं, वो बढ़ेंगी, ठीक है? तो कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट आएंगी तो सिलेक्शन भी एक्स्ट्रा होंगी, है ना? बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, जॉइंट काउंट ऑफ द एलिफेंट एंड द बिग कैट्स। तो भैया सरकार ने क्या किया, रूल चेंज कर दिए। तो इन्होंने कहा कि हम लोग अलग अलग नहीं करेंगे, आने वाले समय में यूनिफाइड काउंट करेंगे टाइगर्स लेपर्ड्स का और एलिफेंट्स का, एक साथ ही काउंट करेंगे। देखिए यूजली क्या होता है, जो टाइगर सर्वे होता है ना वो हर साल 4 साल में किया जाता है, और जो एलिफेंट सर्वे होता है वो 5 साल में किया जाता है। इस समय देश में जो लेटेस्ट सेंसस हुआ था, अकॉर्डिंग टू दैट लेटेस्ट सेंसस 2018-19 में जो हुआ था टाइगर सेंसस, इंडिया में 2,967 टाइगर्स हैं, और 2017 में जो सर्वे किया था उसके अकॉर्डिंग 29,964 एलिफेंट्स हैं। सबसे ज्यादा जो एलिफेंट इंडिया में बेसिकली कर्नाटक के अंदर पाए जाते हैं। तो इनका कहना है कि हम लोग ये करेंगे, अब सेंसस तो करेंगे ही करेंगे काउंटिंग तो, लेकिन काउंटिंग मेथड भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए क्या होता है, यूजली जो एलिफेंट के जो नंबर्स होते हैं वो स्टेट के द्वारा किए जाते हैं और डीएनए एनालिसिस के बेसिस पे किए जाते हैं। देखिए क्या होता है ना, डीएनए स्टडीज का मतलब ये होता है कि जो गोबर होता है, जो हाथियों का गोबर होता है, उससे उनका डीएनए टेस्ट किया जाता है। डीएनए अब जितना डिफरेंट डीएनए होता है मतलब वहां पर उतने ही एलिफेंट होते हैं। पहले क्या होता था, पहले कुछ समय पहले हेड काउंट मेथड किया जाता था, मतलब गिना जाता था, अच्छा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिना जाता था, लेकिन वो सही मेथड नहीं है क्योंकि उससे डबल काउंटिंग हो जाती है। तो इस बार उन्होंने क्या किया, उसको प्रोसेस को चेंज करेंगे। डीएनए टेक्नोलॉजी ज्यादा रिलायबल होती है, ज्यादा एक्यूरेट होती है, पहली बात ये। और जब हम लोग टाइगर की बात करते हैं तो टाइगर को भी हम लोग हेड काउंट तो नहीं कर सकते। टाइगर्स को काउंट करने के लिए जो मेथड किया जाता था वो किया जाता है कैमरा ट्रैप के द्वारा। तो जंगल में जगह जगह कैमरे लगाए जाते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि टाइगर की बॉडी के ऊपर जो स्ट्राइप्स होती हैं, वो ऐसे लाइनें होती हैं ना वो टाइगर की बॉडी पे, वो हर टाइगर के बॉडी पे अलग होती हैं, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है, उसके बेसिस पे टाइगर की पहचान की जाती है। हालांकि कहीं जंगल वंगल में कहीं ऐसे एरिया हो सकते हैं जहाँ पे ये कैमरा पॉसिबल नहीं होता, उस केस में हम लोग डीएनए के थ्रू कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें लोग करने वाले हैं। तो एलिफेंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो है हेरिटेज नेशनल एनिमल भी है एलिफेंट, और वो हमारा नेशनल एनिमल है ही, खैर ठीक है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर बात करें दोस्तों, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है यहाँ पे चलाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज होती है वो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट की यहाँ पे बात करती है। उसके अलावा कुछ एडिशनल फैक्ट हमें टाइगर के बारे में पता होना चाहिए। ग्लोबल टाइगर डे जो है वो सबसे पहले बार 2010 में मनाया गया था, 29 जुलाई को होता है ग्लोबल टाइगर डे। कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग से, ये एक रशिया के अंदर एक जगह है, सिटी है। तो टाइगर समिट हुआ था तब से इसको बनाया जाता है, और इसके अंदर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज को इंक्लूड किया गया था। यहाँ से ऑलरेडी यूपीएससी में सवाल आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड और वियतनाम। तो आपसे सवाल पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट अ मेंबर ऑफ 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, तो आपको पता चाहिए। रशिया खासकर स्पेशली यहाँ पे याद रखना है आपको, क्योंकि रशिया के अंदर भी टाइगर पाए जाते हैं। यूजली लोगों को लगता है कि रशिया इतना ठंडा जगह है, वहाँ पे टाइगर नहीं होते हैं। भैया रशिया के अंदर भी अच्छे खासे टाइगर होते हैं। कई बार पुतिन को देखा होगा अपने फोटो खींचते हुए टाइगर के साथ, है ना? चलिए,
तो प्रोजेक्ट टाइगर हम लोगों ने कब चलाया था, 1973 में चलाया था, ठीक है। और अच्छा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपके लिए एमसीक्यू है, इंडिया में कौन से टाइगर रिजर्व के अंदर सबसे पहली बार इसको लॉन्च किया गया था। हिंट आपको दे देता हूँ, नॉर्थ इंडिया के अंदर पड़ता है, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईडी सीजीज 2.8 करोड़ इन कैश, 1.8 किलोग्राम गोल्ड। तो वैसे हमारे लिए कोई खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन वैसे आपको बताता चलूँ कि भैया दिल्ली के मिनिस्टर साहब हैं, सत्येंद्र जैन नाम है उनका, तो उनके घर पे छापा पड़ा था जिसमें ये सारी चीज़ें मिली थी। तो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्चुअली उनके ऊपर शक था। 2017 में FIR लॉन्च की गई थी उनके अगेंस्ट में, और 2018 में ईडी ने चार्जशीट फाइल की थी, और अभी उनके घर पे रेड पड़ी है। तो इतना सामान मिला है, मतलब 133 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, लगभग 2 kg के लगभग भैया 3 kg 3 करोड़ के लगभग कैश मिला है, और भी बहुत सारे पेपर मिले हुए हैं। तो देख सकते हो आप करप्शन कितनी हालत तक है। तो ईडी के बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो जब भी मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग कोई केस होता है तब भी आपको ईडी का नाम सुनाई देगा। जब आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी जो है आपको ये एक्चुअली ये दो कानून ऐसे होते हैं, PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और FEMA, ये दो के ऊपर कार्रवाई कौन करता है, ईडी करता है। ईडी जो है एक तरह का इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो, ये जो है इंटेरोगेशन भी करता है, ईडी जो है सर्च एंड सीजर भी कर सकता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, ठीक है। इसकी जो हम लोगों ने शुरुआत की थी बेसिकली वो फर्स्ट में 1956 को किया था, और उस समय इसका नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं था, उस समय इसका नाम हुआ करता था एनफोर्समेंट यूनिट। और जब शुरुआत में इसको बनाया गया था तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में काम करता था, लेकिन 1957 में इसका नाम चेंज कर दिया और इसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहने लगे, और 1960s के बाद से ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में काम करता है। ये अपने ध्यान रखना है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू रादर देन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये कई तरीके से यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, कई बार वो मैच द फॉलोइंग भी देते हैं तो वो भी आपको याद होना चाहिए, या कई बार सीधा पूछ सकता है दैट एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो है इट वाज रिसेंटली इन न्यूज, इट वर्क्स अंडर विच डिपार्टमेंट। इस तरह का सिंपल सा सवाल पूछ सकता है, दिखने में सिंपल लगता है लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है एग्जाम के अंदर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारे सामने है वो है ऑफ व्हाट गुड इज द बैड बैंक। तो ज्यादा इसके ऊपर मैं फोकस नहीं करूंगा क्योंकि कल हम लोगों ने इसके बारे में अच्छी खासी डिटेलिंग पढ़ ली थी। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए बैड बैंक होता क्या है, ठीक है, देखिए क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बैड बैंक बेसिकली क्या है, इट्स अ फाइनेंशियल एंटिटी सेट अप टू बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और द बैड लोन्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होते हैं, देखिए एसेट का क्या मतलब होता है, एसेट का मतलब होता है कि जिससे आपको प्रॉफिट मिलता है, जिससे आपको आप पैसा बनाते हो। तो बैंक को किस चीज से प्रॉफिट मिलता है, लोन से प्रॉफिट मिलता है, है ना। आपने बैंक के अंदर 100 रुपये जमा करवाए, अब बैंक आपको इंटरेस्ट रेट पे करता है। अरे भैया जब बैंक की इनकम होगी, कमाई होगी, तभी तो आपको पे करेगा ना। तो बैंक की कमाई क्या होती है, उसी पैसे में से बैंक जो है फर्दर लोन देता है, और जिसको लोन देता है उससे उसको पैसा मिलता है, उसी पैसे में से वो थोड़ा पैसा आपको दे देता है। तो जैसे जो मनी लेंडर होते हैं ना, जो गाँव में काम करते हैं, आपसे पैसा लेके किसी और को उधार दे देते हैं, ये बैंक भी वैसे ही होते हैं, लेकिन ये फॉर्मल सेक्टर में होते हैं। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग बैंकों से लोन ले तो लेते हैं लेकिन उनको रिटर्न करते नहीं है। तो जो पैसा रिटर्न नहीं होता है उसको कहा जाता है NPA, और हमारे यहाँ पे बैंकों में बहुत सारा NPA इकट्ठा हो गया है। तो उसको उसके लिए जो है हम लोग एक नया बैंक बना रहे हैं जिसे कहा जाता है बैड बैंक। ये इसका जनरल नाम है बैड बैंक, ठीक है। वैसे तो ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी। तो ये तो हो गया हमारा बैड बैंक क्या होता है। अब इसके प्रोज क्या है, कौन से क्या है, सीधी सी बात है, प्रोज तो यही होगा के जो बैंकों के ऊपर फालतू का बर्डन है वो कम हो जाएगा, और बैंक जो है वो अपने कोर बिजनेस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। बैंकों का कोर बिजनेस क्या होता है, लेंडिंग, ये कोर बिजनेस होता है। एनपीए की रिकवरी करना बैंकों का कोर बिजनेस नहीं है। तो इससे हमारे बैंकों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, लेंडिंग बढ़ेगा और इकोनॉमी ग्रो करेगा। ये तो इसका सबसे बड़ा प्रो होने वाला है। इसका कौन क्या होगा, देखिए रघुराम राजन जी का कहना है कि भैया आप देखिए हमारे वैसे भी ज्यादातर जो हमारे यहाँ पे एनपीए है वो जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर में है, सरकारी बैंकों के अंदर है। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक सरकारी डिपार्टमेंट से पैसा निकाल के दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट में डाल रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा रघुराम राजन जी का कहना है। उनका कहना है कि ये सब ढकोसला है, ये सब बकवास है, आप एक जगह से सरकारी से निकाल के दूसरी जगह पे सरकारी में डाल रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
लेकिन ये बैड बैंक एक्चुअली कई सारी कंट्री में इसको यूज किया गया। जब 2008 का क्राइसिस हुआ था तो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस वगैरह वहां पे भी बहुत सारा एनपीए हो गया था बैंकों के ऊपर, वहां पे बहुत सक्सेसफुली काम किया है। तो इंडिया को बेसिकली आइडिया वो वहीं से आया है और हम लोग भी अपना बैड बैंक अभी चालू कर देंगे, ठीक है। और बैड बैंक के अंदर बेसिकली दो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। एक का नाम है NARCL, ठीक है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और एक है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी IDRCL, कल मैंने आपको ये बताया था। तो ये NARCL क्या करेगी, उनसे लोन को खरीदेगी और IDRCL उसको रिकवरी करेगा। तो दोनों की जॉब अलग होती है, और जो रिकवरी करेगा उसमें से जो प्रॉफिट होगा वो थोड़ा सरकार को दे देगी, थोड़ा अपने पास रखेगी, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं थोड़ा सा बैड बैंक के बारे में। गुड है या बैड है यार, वो तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही पता चलेगा। क्या पता ये भी एक सरकारी कंपनी की तरह बन के रह जाए। होता क्या है ना, यहाँ पे एफिशिएंसी की कमी होती है। और एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि मान लो एक बैंक है, सरकार ने उससे जो है एनपीए ले लिया उसका, तो इस बैंक की हालत थोड़ी सुधर जाएगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा बैंकों के अंदर एनपीए नहीं होगा। अब प्राइवेट बैंकों के अंदर जो है एनपीए कम है, इसका एक रीजन है वहां की एफिशिएंसी, क्योंकि वहां पे जो मैनेजर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। लेकिन सरकारी बैंकों में भैया कौन होते हैं, बाबू लोग होते हैं मैनेज करने के लिए। इनके बोर्ड में कौन होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और भैया सरकारी बाबू होते हुए आप काम थोड़ी करोगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, ब्यूरोक्रेसी वाली दिक्कत है। जितना भी सरकारी तंत्र है हमारा, हर जगह ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं और भैया ये काम करते नहीं है, क्योंकि एक बार आप सरकार के जमाई बन गए तो काम करो या ना करो सैलरी तो आती ही रहती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि यहाँ पे बताया भी गया है ऊपर आर्टिकल के अंदर। आगे बढ़ते हैं, फिशर्स इन द वेस्ट एंटी रशिया अलायंस। तो देखिए यूरोप के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो तो आपको पता ही है, ठीक है। इधर है आपका रशिया, ये आपका जाता है यूक्रेन। तो यूक्रेन का जो इधर ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये तो पूरे का पूरा इस समय रशिया इसके ऊपर हंगामा कर ही रहा है। लेकिन कई सारी कंट्री ऐसी हैं जैसे खासकर पोलैंड और लातविया, ये लगातार यूक्रेन को हेल्प दे रही हैं, वेपन्स भी दे रही हैं और इवन सोल्जर्स भी दे रही हैं। लेकिन कई सारी ऐसी कंट्री है यहाँ पे जैसे जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, ये कंट्री ऑयल के लिए, गैस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं। हालांकि अभी तक पूरे यूरोपियन यूनियन का, अमेरिका का क्या स्टैंड रहा है, इनका स्टैंड रहा है कि हम यूक्रेन को वेपन्स देंगे, ठीक है, यूक्रेन रशिया से लड़ेगा और जीतेगा और अपनी टेरिटरी को रिकवर करेगा। ये अभी तक का स्टैंड रहा है, क्योंकि यूक्रेन एक सोवरेन पावर है। सोवरेन पावर का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट पावर है, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यूक्रेन भी यही कहता है कि भैया हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमारी जो टेरिटरी ले ली गई है हम उसको वापस लेके रहेंगे। लेकिन अभी दो दिन पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि रशिया के साथ हम लोगों को बातचीत करना चाहिए, इतना हार्श स्टैंड हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो टेरिटरी रशिया ने ले लिया हम उनको दे देंगे, बाकी टेरिटरी को सेव कर लेंगे, क्योंकि वो बातचीत करने को तैयार हैं। यूक्रेन का कहना है कि ये नहीं हो सकता, अगर आज आपने बातचीत कर लिया ना, और अगर आज आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो कल को ये नंबर लातविया का भी आएगा, एस्टोनिया का भी आएगा, पोलैंड का भी आएगा, और धीरे धीरे जर्मनी का भी आएगा। तो इनका यही कहना है, आज अगर आपने यहाँ पर ढील बरत दी, फ्यूचर में रशिया यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। तो इसीलिए आज ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आर और पार की लड़ाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि फिनलैंड के ऊपर तो अटैक होने का वैसे भी खतरा मंडराया हुआ है, रशिया ने सीधा सीधा धमकी दे ही दिया है। तो ये जो है पूरे का पूरा मामला यहाँ पे बनता है। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर बेसिकली जर्मनी और फ्रांस इस समय थोड़े अलग नज़र आ रहे हैं, बाकी यूरोपियन कंट्री बिल्कुल यूक्रेन के साथ खड़ी हुई हैं, इंक्लूडिंग USA एंड NATO, ठीक है। तो हालांकि अभी तक सिर्फ बयानबाजी चल रही है, सैंक्शंस तो पूरे लगा रखे हैं, देखना रहेगा फ्यूचर में यहाँ पे क्या ऊँट जो है वो कौन सी करवट बैठता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है आज का एडिटोरियल, जनरल से एडिटोरियल है, लेकिन यहाँ से हम लोग देखिए हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो दो ऑप्शन है हमारे पास आंसर लिखने के, एक ऑप्शन हमारे पास है कि हम लोग बैड बैंक से आंसर लिखें, ठीक है। तो मुझे लगता है बैड बैंक वाला आंसर ही हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक क्वेश्चन आपको लिखने के लिए देता हूँ, ठीक है, आप लिखिए इसको, सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज बैड बैंक, ठीक है, एक्सप्लेन
need for a bad bank? Explain the need for the bad bank and possible drawbacks as well. Okay. Suggest some solutions. क्योंकि इकोनॉमी का टॉपिक है तो लैंग्वेज ही बिल्कुल सिंपल रखा है आपके लिए, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं, 150 वर्ड्स का है. व्हाट इज बैड बैंक, एक्सप्लेन द नीड फॉर अ बैड बैंक एंड पॉसिबल ड्रॉबैक्स एज वेल, ठीक है, सजेस्ट सम सॉल्यूशंस, आसान सा टॉपिक है, ठीक है, इसको आप लिखिए. फिर करते हैं आज के एडिटोरियल पे शुरुआत करते हैं. देखिए आज का एडिटोरियल क्या कहता है, द शैडो ओवर ग्लोबल ग्रोथ. इसके जाने से पहले आगे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ताकि ये कुछ आर्टिकल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, हमारे डीएनए के अंदर ही डिस्कशन किया था इसको हम लोगों ने, क्योंकि ये जनवरी में ही आया था, 2022 का आर्टिकल है और भैया यूपीएससी ने यहाँ से सवाल पूछ लिया है, क्योंकि मोदी जी गए थे वहाँ पे सोमनाथ टेंपल में, वहाँ पे उन्होंने सर्किट हाउस का को इनॉग्रेट किया था, तब हम लोगों ने सोमनाथ के बारे में पढ़ा था. तो देखिए सीधे सीधे न्यूज़पेपर से सवाल आता है, तो अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर मैं छोड़ दूँ ना पढ़ूँ, वो सही नहीं है. न्यूज़पेपर करते रहोगे ना आपके बहुत सारे सवाल वैसे ही आते रहेंगे, ठीक है. तो सर डेफिनेटली सोमनाथ का टेंपल है जो हमारा 12th ज्योतिर्लिंगा है, वन ऑफ द 12th ज्योतिर्लिंगा है. अलबरूनी जो है कि जो कि जो है अरब ट्रैवलर्स हुआ करते थे, उन्होंने भी सोमनाथ के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है. और यहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठा है सोमनाथ टेंपल के अंदर, एक्चुअली उनकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, राधा कृष्ण के द्वारा नहीं की गई थी. तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है, तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट. सीधा सीधा सा न्यूज़पेपर से सवाल है, दो नंबर फ्री के हैं, कुछ करना ही नहीं है, न्यूज़पेपर देखना है, पढ़ना है, आंसर लगा देना है, इसलिए न्यूज़पेपर बहुत क्रूशल है. कहता है द शैडोज ओवर ग्लोबल ग्रोथ रिकवरी आर लॉन्ग, मतलब पहले तो भैया 2008 के अंदर क्राइसिस आया, चलो उसको भी छोड़ दीजिए, फिर 2020 में हमारे पास कोविड आया, तो इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल बॉटम में गई हुई थी भैया, फिर रही कई कसर जो है वो रशिया ने पूरी कर दी, तो वो रिकवरी तो दूर की बात है, इकोनॉमी नीचे ही जा रही है. तो उसके बारे में बेसिकली इन्होंने आर्टिकल में कुछ कुछ बातें कही हैं. तो वही बात इन्होंने कही है कि देखिए भैया पहले तो हमें कोविड का झटका लगा, कोविड के झटके बाद रशिया यूक्रेन के वॉर ने हमें और झटका लगा दिया, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड ओवर है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो सामान जाता था वो रुक गया है, क्योंकि बहुत सारे लॉकडाउन भी लग गए हैं, लोकल लॉकडाउन, और खासकर चाइना के अंदर, चाइना के अंदर तो हर हफ्ते किसी ना किसी बड़ी सिटी के अंदर लॉकडाउन लगता ही रहता है. तो ये सारा कुछ यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया है, तो सप्लाई बॉटलनेक्स तो है ही, और मैन्युफैक्चरिंग हब्स जैसे चाइना का हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया बंद हो गए हैं, तो दिक्कत तो है ही. तो यहाँ पे बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया है कि दो चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया गया है, पहला है प्राइस प्रेशर मतलब इन्फ्लेशन, और दूसरा है टाइटनिंग फाइनेंशियल कंडीशंस और कैपिटल आउटफ्लो. कैपिटल आउटफ्लो से भी इस बार यूपीएससी में सवाल पूछा गया, अगर आपने पेपर देखा होगा तो उन्होंने पूछा था कैपिटल आउटफ्लो का रीजंस क्या हैं, उसमें से एक पार्ट जो है वो ऑप्शन इसके बारे में भी था कि जो यूएसए ने अपने वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर दिया है, इंटरेस्ट रेट को बेसिकली यूएसए में इंक्रीज कर दिया है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया से जो एफपीआई है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो वापस जा रही है. ये हमारे यूपीएससी में सवाल पूछा गया था इस बार. तो दो पार्ट चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं. तो सबसे पहला कंसर्न है इस समय दुनिया में, वो है इन्फ्लेशन. वेस्टर्न कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन चल रहा है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो फूड हो, भैया 40 सालों का सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है. कमोडिटी प्राइस बहुत हाई चल रहे हैं, गैस वगैरह का बता ही दिया, फूड प्राइस बहुत हाई चल रहे हैं. और इसमें सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर क्या है, मतलब ओवरऑल इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है आपका एनर्जी और फ्यूल प्राइसेस. डेवलपिंग कंट्री के अंदर हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि देखिए दोस्त, जब फूड प्राइसेस इंक्रीज होते हैं ना और फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, ये सिर्फ दो ही चीज़ें नहीं हैं भैया, जब फ्यूल प्राइस इंक्रीज होता है तो इकोनॉमी में सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, सारी चीज़ें, क्योंकि फ्यूल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो कंज्यूमर से ही वसूल किया जाता है ना वो सारी चीज़ें. और भैया यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है, गरीब आदमी को नुकसान होता है, ठीक है, गरीब आदमी को तो नुकसान होता ही है. उसके अलावा भैया इसमें हीट वेव की अगर आप बात करें,
आप क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें, आप रेनफॉल की अगर बात करें, ड्रोट्स की बात करें, फॉरेस्ट फायर की बात करें, उन्होंने अलग से आतंक मचा रखा है। तो इन सारी चीज़ों का नतीजा यही निकलता है कि दुनिया में इस समय इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई चल रही है, और रशिया यूक्रेन की तो बात खैर है ही। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हाउस होल्ड के ऊपर? देखिए, अमीर आदमी तो फिर भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेता है, सबसे बड़ी बात होती है गरीब आदमी की, क्योंकि सीरियल्स महंगे हो गए हैं ना, खाना महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई हैं, तो गरीब आदमी जो बेचारा पहले से ही हालत खराब थी, उसकी हालत और खराब हो गई है। ठीक है, परसिस्टेंट शॉर्ट सप्लाई एंड इंक्रीज फूड एंड फ्यूल प्राइसेस कुड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ सोशल अनरेस्ट। जैसे श्रीलंका का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो, तो जब फूड और फ्यूल प्राइसेस बढ़ा तो श्रीलंका के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गया। तो ये जो प्राइसेस वगैरह इंक्रीज होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी तक इंक्लूड नहीं होते हैं भैया, आपका पूरा पूरा पॉलिटी वहाँ पे डिपेंड करता है, पूरा जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो श्रीलंका से हम लोगों को लेसन लेने की जरूरत है। दूसरा जो एंगल है यहाँ पे वो है कैपिटल आउटफ्लो का। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव हो रहे हैं। सिलेक्टिव मतलब पहले जो इन्वेस्टर थे ना, वो ऐसे ही कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर देते थे जो थोड़ा रिस्की होती थी ज़्यादा गेन करने के लिए, लेकिन आजकल वो सेफ इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। और सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है? यूएसए डॉलर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो सबसे सेफेस्ट मानी जाती है, इसीलिए तो डेवलपिंग कंट्री से पैसा वापस जा रहा है ना। दूसरी बात है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे हमारे कंट्री में ही आरबीआई ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कर दिया, सीआरआर को इंक्रीज कर दिया है ना, वो सारी चीज़ें हुई, तो जिसकी वजह से भी पैसा जो है वो वापस जाने लगा। और वैसे ने जो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया था, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आउटफ्लो हो रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है करेंसी डेप्रिसिएशन। तो भैया रुपी जो है वो डॉलर के कंपैरिजन में लगातार डाउन जा रहा है, क्योंकि हमारे कंट्री से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है, इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है, और जब जब इन्फ्लेशन होता है मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, दूसरी बात ग्रोथ फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फूड और फ्यूल की वजह से फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, तो जीडीपी में की दिक्कतें हैं। और भैया कभी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, तो लॉकडाउन लगते रहते हैं, डिमांड सप्लाई जो है डिस्टर्ब होती रहती है, तो जिसकी वजह से हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। और ये डेट लेवल ऑल टाइम हाई हैं। अब सरकार को पैसा खर्चा करना है तो उसके ऊपर लोन लेना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है, तो डेट लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये तो हो गया इम्पैक्ट। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इस एडिटोरियल के अंदर बहुत खास नहीं बताए गए हैं, वही बड़ी बड़ी सी बातें कही गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। पहले दिन का कहना है कि भैया हाउस होल्ड को आप बजट को मैनेज करिए। कैसे मैनेज करोगे? आप कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करा सकते हो, आप जो है कुछ कैश में हेल्प कर सकते हो, कुछ इंसेंटिव्स दे सकते हो, जैसे प्रधानमंत्री अत्योदय अन्न योजना है ना, इस तरह की आप कुछ योजनाएं चला सकते हो जिसका हमारा जो हाउस होल्ड का बजट है वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। फिर कहते हैं प्रून एक्सपेंडिचर एंड गेट बैक टू रोड ऑफ द फिस्कल कंसोलिडेशन। तो सरकार ने जो फालतू का लोन ले रखा है, फिस्कल डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, उसको कंट्रोल करने की भी जरूरत है। ठीक है, उसको कंट्रोल करेंगे तो हमारी क्रेडिट जो हमारा रेटिंग है वो इम्प्रूव होती है, तो देश में दोबारा से इन्वेस्टमेंट आ सकती है। एनर्जी ट्रांजिशन, तो इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? पेट्रोल और डीजल। तो अगर हम लोग क्लीन एनर्जी बनाना शुरू कर देंगे तो पेट्रोल डीजल के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, तो आने वाले समय में अगर ऐसी दिक्कतें होंगी तो सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी है ना, जियो थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, उससे हमें हेल्प मिल सकती है, क्योंकि उस केस में इंडिया को पेट्रोल डीजल के ऊपर, क्रूड ऑयल की इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ट्रांजिशन भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा फिर आप क्या करिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह चलाइए। ठीक है, किसको? जो जिन लोगों की जॉब चली गई है। देखिए इस समय पूरी इकोनॉमी में ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है ना, तो लोग जो है बहुत ज़्यादा जॉब उनकी जा रही हैं और वो दूसरी जॉब्स के अंदर एंट्री कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट को छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो इसके लिए लोगों को ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट है ताकि जिस भी वो नए फील्ड में जाएं वहाँ पे अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, उसके अलावा जो इंटरनेशनल जो चीज़ें हो रही हैं जियोपॉलिटिकली, जो उसको थोड़ा सा आप सुधारिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। उसके अलावा कहता है देखिए जब भी इन्फ्लेशन आता है या कोई चीज़ खराब होती है तो सारी की सारी इकोनॉमी के ऊपर बराबर फर्क नहीं पड़ता है, कुछ खास वल्नरेबल सेक्शंस के ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो आप उन वल्नरेबल सेक्शंस को जो है आइडेंटिफाई कीजिए और कुछ खास एक्शन लीजिए, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिगड़ने मत दीजिए। बिगड़ने से पहले अगर आप एक्शन ले लोगे तो शायद चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होंगी, तो वो भी इसके अंदर बताया गया है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, कुछ इम्पैक्ट हैं, थोड़े रीजंस वगैरह बताए गए हैं, तो यहाँ से भी डेफिनेटली जो है आपको एक मेंस के लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं। आज के हमारे पास तीन एमसीक्यू हैं।
पॉलिटी सेक्शन शुरू करेंगे इस पूरे हफ्ते हम लोग, दो तीन सवाल आपके लिए मैं लेके आया करूंगा रोज रोज। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। दो क्वेश्चन हमारे पास इलेक्शन कमीशन को लेके हैं यहाँ वाले, और तीसरा क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आंसर अबाउट द इलेक्शन कमीशन, इट वॉज अ सिंगल मेंबर बॉडी। ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़िए, आंसर नीचे दिया है, वन एंड टू ये सब करके। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में है, इनके टेन्योर के बारे में बात की गई है, और फिर तीसरा हमारे पास ये है जो कि उनके बारे में ही है, इलेक्शन कमीशन के बारे में, उनकी मेंबर बॉडी कितनी होती है एंड ऑल दैट। तो इसका जो है कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर दोगे, कल जो है हम इसके आंसर को डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने बता ही दिया, कुछ एडिशनल आर्टिकल हमारे पास हैं, जैसे सीडीएस के बारे में खैर हम लोगों ने बात कर ही लिया है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा देख सकते हो, ज़्यादा नहीं, ये वाला आपको रिकमेंड करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि वैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो चांसलर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो गवर्नर होते हैं, और उसके बारे में है बेसिकली ये। चाइना और कंबोडिया जो है पोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है, ठीक है, ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव से। और वर्ल्ड बैंक ने जो है इंडिया की जीडीपी को दोबारा से कट कर दिया है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको अलग से पता होना चाहिए, डेफिनेटली जीडीपी क्या होता है ये अलग से पता होना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके अलावा एफपीआई फ्लो के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया था, रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होता है थोड़ा पता देख लीजिएगा, इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे कुछ भी नहीं है करने को, बेसिकली सारे टॉपिक हम लोगों ने कर ही लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज का एडिटोरियल सेक्शन और आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस, आई होप आपको पसंद आया होगा। तीनों क्वेश्चन जो आपको पूछे हैं एक्सपेक्ट करता हूं कमेंट सेक्शन में उसका आप आंसर लिखोगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।